खेसारी जी के साथ करीब मुझे लगता है 35-36 फिल्में हो गई। बड़ी चीज़ है उनका डिसिप्लिन, वो इतने डिसिप्लिन एक्टर है, टाइम पे आना, सीन में इन्वॉल्व रहना और डेडिकेशन उनका, वो बहुत मज़ा आता है काम करने में। हमसे पहले रेडी रहते हैं, सेट पे आकर बैठ जाएंगे, भाई और कितना टाइम लगेगा लाइटिंग में, ऐसा भी होता है? अरे रोज़ होता है, आप आ जाओ कल परसों जब भी वो शूट कर रहे हो, देखो यूनिट से कभी कभी पहले आकर बैठे रहते हैं वो। ये डेडिकेशन मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी एक्टरों के साथ नहीं देखा। एक फिल्म बनाने में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ, अगर बात हो खेसारी लाल यादव की फिल्म की तो अकेले खेसारी लाल यादव नहीं, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। और आज हम आपसे ऐसे ही सारी टीम से भी मिलवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है UNN मीडिया पे। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। और इस वक्त जो शख्स है मेरे साथ, ये ज़्यादातर खेसारी लाल यादव की फिल्में यही करते हैं। अब ऐसा क्या रिलेशन है वो इनसे बात करेंगे। पहले दिखा देते हैं कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि RR प्रिंस जी हैं। इनका वैसे फिल्मों में किरदार एज ए DOP है, लेकिन मेरा सवाल है, पहली बार तो स्वागत करते हैं, दूसरा सवाल, फिल्मों में क्यों नहीं आते हैं सर? फिल्मों में क्यों नहीं आते? कितना कैमरे के पीछे रहेंगे, इतने क्यूट से लगते हैं सर। अरे नहीं, हमारा हॉबी है फोटोग्राफी, और कैमरे के सामने बहुत भाई लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कभी ऐसे होता नहीं है कि खेसारी जी बोल रहे हैं भैया आज तू कोनो किरदार कर ला, सर करेगा पड़ी? बोलते हैं कभी कभी, आउटडोर में क्या होता है, कोई आर्टिस्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम है, कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, छोटा सा कोई रोल है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। अभी हाल ही में कई प्रोजेक्ट किया, बोल राधा बोल हो, अपराधी हो, ऐसे कई फिल्में बैक टू बैक आप खेसारी जी के साथ कर रहे हैं, और अभी एक और फिल्म के सेट पे हैं, जैसे कि आपको बताया फरिश्ते। सो सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, और सब में खेसारी जी हैं, हीरोइन भी आजकल रिपीट हो रही हैं, मेगाश्री जी रही हैं बैक, आई थिंक पिछले तीन फिल्मों से। तो अभी अगर बात किया जाए सिर्फ इस साल की, तो सबसे मज़ेदार फिल्म आपके हिसाब से कौन सा लगा खेसारी जी की? नहीं, चूंकि हम लोग करते हैं तो हम लोगों को तो सारी फिल्में मज़ेदार लगती है, सब एक से एक बढ़ के है। अभी लिट्टी चोखा रिलीज हुई, आशिकी रिलीज हुई, अंदाज आने वाली है, बोल राधा बोल है, अपराधी है, फरिश्ते हम लोग कर रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग है और मज़ा आ रहा है। अलग अलग विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी को अपनी कोई भी चीज़ मतलब होता ना अदनी लगती है, लेकिन सर फिर भी बहुत स्मार्ट है, जनार्दन है, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं कॉन्सेप्ट पे, और शूट पे रहते हैं तो अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो वो बॉन्डिंग है कि कॉन्सेप्ट पे भी बातें करते हैं हम लोग सारे लोग मिलकर। आपका जो मेन योगदान है DOP, मतलब सारा भार उसी पे है, क्योंकि अगर लाइट दिक्कत तो फिर सीन में दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका जो काम है डायलॉग्स बोलना और डायरेक्शन का जो पूरा डायरेक्ट करना वो है, लेकिन DOP है दोनों को एकदम ले कर चलना। तो ये कह तो नहीं सकते कि सर कितना आसान है, मुश्किल कितना मुश्किल है सर? अब आदत सी हो गई है, पहले शुरू शुरू में लगता था मुश्किल तो है ही, जॉब टफ जॉब है, लेकिन अब काम करते करते यूज थ्रू हो गए हम लोग। सर आप कहाँ से हैं, UP से कि बिहार से? बिहार, पटना से हूँ मैं। अच्छा, पटना नेटिव प्लेस छपरा है। और जैसे कि आप प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं, तो कभी घर जाना होता है? हाँ, अभी मैं 2 दिन रह के आया मुंबई घर पे। अच्छा, रहते हैं बिहार के हैं लेकिन मुंबई घर पे? हाँ, मतलब बच्चे सब वही हैं मुंबई में और माँ पापा पटना में है, तो जाना होता है बीच बीच में। खेसारी जी के साथ कितनी फिल्में होंगी? खेसारी जी के साथ करीब मुझे लगता है 35-36 फिल्में हो गई। और खेसारी जी में कोई ऐसी दो बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एज अ DOP? सबसे बड़ी चीज़ है उनका डिसिप्लिन, वो इतने डिसिप्लिन एक्टर है, टाइम पे आना, सीन में इन्वॉल्व रहना और डेडिकेशन उनका, वो बहुत मज़ा आता है काम करने में। हमसे पहले रेडी रहते हैं, सेट पे आकर बैठ जाएंगे, भाई और कितना टाइम लगेगा लाइटिंग में, ऐसा भी होता है? अरे रोज़ होता है, आप आ जाओ कल परसों जब भी वो शूट कर रहे हो, देखो यूनिट से कभी कभी पहले आकर बैठे रहते हैं वो। कहते हैं ना कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी एक्टरों के साथ नहीं देखा। कहते हैं ना कि एक जब नाम के आगे सुपर स्टार जुड़ जाता है, कारण है इसका पीछे कारण उनका सबसे बड़ा कारण है ये डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन एक्टर है। वैसे क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की कवरेज करती हूँ, तो एक रहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद की वजह से भी जाना जाता है, खासकर एक्टर एक्ट्रेस के अंदर विवाद होता है, लेकिन गिरोह बढ़ जाते हैं। और आपके लिए भी होता है कि आप तो खेसारी लाल यादव की टीम पे हैं, तो इस पर कभी काम का असर पड़ा है कि क्योंकि आप खेसारी जी के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो कोई और एक्टर आपके साथ काम करने में हिचकिचा जाता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, और जो काम करने वाले हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको मेरा काम अच्छा लगता है वो कॉल करते हैं। अभी मैंने कल्लू की फिल्म की, अभी यश की फिल्म साइन की है,
तो पवन जी की मैं पिछले साल फिल्म की बॉस रिलीज हुई थी, पवन जी के साथ भी 17-18 फिल्में की मैंने, 17-18 उनकी क्या खासियत है? दूसरी फिल्म मैंने की थी, पहली या दूसरी फिल्म, मतलब शूटिंग शुरू हुई थी मेरी पहली अखिया लड़िए गई, उनकी पहली मतलब शूट पहले हुआ था लेकिन रिलीज दूसरी पे वो हुई थी। सर आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में हो गया 22-23 साल मुझे। 22-23 साल, तो आपने हर एक एक्टर को अपने आंखों सामने बनते देखा है। मनोज जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, दिनेश जी के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट सारे स्टार के साथ मैंने काम किया है। मुझे कभी नहीं लगा कोई एक्टर बोलता है अरे खेसारी जी के साथ काम करता है तो मेरे साथ मत करो, या खेसारी जी ने कभी नहीं बोला उनके साथ काम मत करो। जब भी जिसके साथ कंफर्टेबल होता है, टाइम होता है, मैं करता हूँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर जनरेशन के एक्टर के साथ काम किया है, जैसे एक मान लिया जाए मनोज जी के साथ काम किया है अभी भी कर रहे हैं सर। नहीं, कुणाल जी जब हीरो थे तो मैं एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम किया था, मतलब वो दौर भी आपने देखा है। वो दौर भी जब निगेटिव का दौर था, हम लोग बिहार आते थे मुंबई से शूट करने। सर फिर कुणाल जी का दौर हो गया, मनोज जी रवि जी का दौर हो गया, अभी पवन जी खेसारी जी का भी मान ली दौर, नए में भी आ रहे हैं, नए में किसी के साथ मजा आ रहा है काम करके? कोई नया फिल्म शाइन किया? सारे एक्टर, गौरव झा के साथ मैंने काम किया अच्छा है, यश मिश्रा के साथ मैंने काम किया बहुत अच्छा है, राकेश मिश्रा के साथ काम किया। ऐसा कोई सिंगल प्रोजेक्ट हमें कभी देखने को, मतलब आरआर प्रिंस जी का खुद का कोई प्रोजेक्ट अभी तक बना है या बनने वाला है? मैं खेसारी भाई की फिल्म नेक्स्ट मंथ में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बनने का बहुत शौक है मुझे। हमें बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर बनो, मैं नहीं, डायरेक्टर तो ठीक है सारे लोग करते हैं, हम लोग सोचते हैं और सारे डायरेक्टर टैलेंटेड हैं, हमको एक शौक है कि मैं प्रोड्यूस करूं और भाई के साथ अभी नेक्स्ट फिल्म जाने वाली है फ्लोर पे। सर अनाउंस कर दीजिए सर, यहीं पर आज अनाउंस हो गया है वो साइड नाम क्या है? टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री से, अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ है वही तो बोल रही हूं, फिल्म का नाम अभी चल रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट स्टोरी पे काम चल रहा है तो नाम तो खैर हो जाएगा, कंपनी का नाम अनाउंस हुआ है टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री। तो सोच के रखा है अपने, टेक्नीशियनों का मतलब है उसमें ग्रुप है, उसमें लाल बाबू जी भी डायरेक्ट करेंगे, अभी पराग पाटिल कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर जुड़े हुए हैं उससे। अच्छा ये मुझे नया सुनने को मिला, मैंने एंटी हीरोज ग्रुप सुना था और हीरो हीरोइन का अलग ग्रुप सुना था, लेकिन ये टेक्नीशियन भी ग्रुप है और जो मिलके फिल्में बना रही है। हाँ ये है, ये अच्छी चीज़ है, इसमें सारे टेक्नीशियन का इन्वॉल्वमेंट है, किसी को कोई अगर कोई डायरेक्ट करना चाहता है, कॉन्सेप्ट है, उनको फंडिंग चाहिए, उनको आर्टिस्ट चाहिए, तो टेक्निशियल फिल्म फैक्ट्री कोऑपरेट करेगी या ले करके बनाएगी भी फिल्म। इसकी शूटिंग यूपी में ही होगी? यूपी, हम लोग गोरखपुर प्लान कर रहे हैं करने के लिए, लोकेशन वगैरह भी देख कर आ गए हैं और मे भी मई में चालू होगा, मई में शुरू होने वाला, यूएनएन मीडिया की टीम वहाँ जरूर जाने वाली है। एकदम वेलकम, आप लोग का स्वागत है वहाँ। इन्होंने एक फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है फरिश्ते और एक और मई में, अनाउंस खेसारी जी ने ही किया था, हम लोगों ने जब साइन किया था उन्हें और उसी समय अनाउंसमेंट हुआ था, काफ़ी अच्छे पैमाने पर किए थे हम लोग। क्या बात है सर, तो इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है किसी और? जैसे आपने बताया यश जी के साथ साइन किया है और देव पांडे जी के साथ आ रहा है सिया का राम, बहुत सारी फिल्में अभी क्या फ्लोर पे जाए तो। सर बहुत व्यस्त हैं और सर बहुत तरक्की कर रहे हैं और यूनियन मीडिया की जो पूरी टीम है बेस्ट विशेस देगी सर, आप ऐसे ही और अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए और हम सेट पे जाएं और सर का ऐसे ही इंटरव्यू करते रहें। सर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहें, जो डीओपी बहुत से होते हैं जिनको एक्टर एक्ट्रेस नहीं बनना होता, बिहाइंड द कैमरा काम करना रहता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि आप पढ़ लिख करके आओ और ये जो है साइंस है पूरा फोटोग्राफी, आप पढ़ के आओ, टाइम नहीं लगेगा सीखने में, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको लाइटिंग जो फिजिक्स का में पढ़ते हो आप लोग, लाइट लेंस, तो साइंस का अगर नॉलेज है तो आओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अच्छा जॉब है ये, काफ़ी अच्छा। हाँ स्कोप इसमें ज़्यादा है, न्यूज़ चैनल है फिल्म है सीरियल्स है डेली सोप है, काफ़ी वैकेंसीज है यहाँ बहुत। सर के पास बहुत प्रोजेक्ट है और बहुत से लोगों की नीड भी है। लड़के संपर्क करते हैं, बहुत लड़के हैं, करीब मेरे असिस्टेंट 80 से 90 इंडस्ट्री में है जो डीओपी काम कर रहे हैं अभी। 80 से 90? हाँ, क्या बात है। डेली सोप में तो मैक्सिमम लोग मेरे साथ काम किए हुए निकल के अभी कर रहे हैं, बड़े बड़े शो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। चलिए थैंक यू। तो ऐसे ही आगे बढ़िए और सर जी के नेक्स्ट फिल्म को नमस्कार। थैंक यू सो मच। सर से फिर मिलेंगे जल्दी किसी और फिल्म के सेट पे, तब तक के लिए देखते रहिए यूएनएन मीडिया।